आपण बघितले सुंदर कीर्तन हरे कृष्णा सर्वांनी साथ करायचं हरि बोल हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा तर श्री श्री गौर पौर्णिमा महामहोत्सव आपण साजरा करत आहोत हरे बोल हरि बोल हरि बोल शांती शांती तर आपण एवढं सुंदर अभिषेक आता बघितलेला आहे श्री श्री गौर नेता यांचा आणि आता गौर लीलेवर प्रवचन होणार आहे आणि प्रवचन देणाऱ्या आपल्याकडे श्रीमान युगल प्रेम प्रभू हरे कृष्णा हरे कृष्णा तर श्रीमान युगल प्रेम प्रभू ब्रह्मचारी आहेत आणि ते श्री श्री राधा गोपीनाथ मंदिर त्याचप्रमाणे गोवर्धन इको विलेज येथे त्यांनी प्रदीर्घ सेवा केलेली आहे आणि आता आपलं भाग्य आहे की इथं लातूरमध्ये ते आलेले आहेत आणि आपल्याला त्यांचा सहवास मिळत आहे तर मी प्रभूंना विनंती करतो की त्यांनी प्रवचन द्यावं आणि आपण त्यांचं आपल्या पारंपरिक पद्धतीने तीन वेळा हरी बोल म्हणून आपण त्यांचं स्वागत करूया हरी बोल हरी बोल हरी बोल हरी हरे कृष्ण भज गौरांग Oh,
कृष्ण। तो आज आज बहुत खूब चांगला पवित्र दिवस है, आज बहुत अच्छा दिन है, पवित्र दिन है, गौर पूर्णिमा महोत्सव है। और आज का दिन गौड़िया वैष्णव जो होती गौड़ीय परंपरा है, उस परंपरा में ये दूसरा महत्वपूर्ण दिन है। वैसे दो महत्वपूर्ण दिन है, एक है जन्माष्टमी और दूसरा होता है गौर पूर्णिमा महोत्सव। वैसे दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो कहते हैं कि भगवान जब कृष्ण जब अवतारित होते हैं तो सारे के सारे अवतार उनके अंदर होते हैं। अगर कोई व्यक्ति सफेद कपड़ा पहना हुआ है तो सीधा सीधा बोल देते सफेद कपड़ा पहना है। अगर किसी ने पीला कपड़ा पहना है तो पीला कपड़ा बोल सकते हैं। लेकिन अगर एक ही कपड़े में अगर हजारों रंग हो तो कौन से कपड़े रंग का कपड़ा बोलेंगे हम? उसमें सारे रंग भरे हुए हैं। तो उसी प्रकार कृष्ण और गौरांग महाप्रभु इसमें सारे अवतार भरे हुए हैं। और इसलिए ये बहुत बहुत इको कमी करा नहीं को हरे कृष्ण। तो इसीलिए हाँ, तो इसीलिए ये जो अवतार है ये करुणा अवतार है और महावदन्य अवतार कहा जाता है, और ये सबसे दयालु अवतार है जिसकी हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। आज हमारा सौभाग्य कि हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो गौर पूर्णिमा महोत्सव जो है गौड़िया वैष्णव में बहुत महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। तो आप मेरे पीछे पीछे बोलिए, ओम नमो भगवते श्री कृष्ण चैतन्य चंद्राय, ओम नमो भगवते श्री कृष्ण चैतन्य चंद्राय, ओम नमो भगवते श्री कृष्ण चैतन्य चंद्राय, ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्रिशे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है इस आज के गौर पूर्णिमा महामहोत्सव में। तो आज ये जो हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं तो भक्तों की जब कृपा होती है, विशेष कृपा होती है, आचार्यों की जब कृपा होती है तो हमें एक मौका मिल जाता है, संधि मिल जाती है भगवान की भक्ति करने का। तो आज हमारे बीच में श्रीमान अक्रूर प्रभु जी बैठे हुए हैं, आज वृंदावन से आए हैं। तो हम बहुत ही सौभाग्यशाली, एक्चुअली मैं उनके सामने क्या बोलूँगा, बहुत ही सीनियर है, बहुत बहुत सीनियर है। परम पूज्य राधानाथ महाराज के पहले शिष्यों में पहली दीक्षा के जो ये है बैच है उसमें वो ये दीक्षित हुए हैं। तो मैं उनको प्रणाम करके, माननीय माता जी को प्रणाम करके कुछ दो शब्द बोलने का प्रयास करता हूँ। हरे कृष्ण। और सभी से अपेक्षा करता हूँ कि आप सब लोग मुझे आशीर्वाद देंगे। तो जो लोचनदास ठाकुर है जो आचार्य है गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के, तो वो कहते हैं कि जो मैं भगवान के बारे में लिख रहा हूँ एक ऐसा है कि जब कोई व्यक्ति, जब कोई नाटा सा व्यक्ति, नाटा मतलब क्या है मराठी में, बुटका बनतो, अगर ऐसा नाटा सा व्यक्ति अगर आसमान को छूने का प्रयास करेगा
तो शायद उसको कोई मूर्खी बोलेगा, है ना, या फिर कोई अंधा व्यक्ति है, अंधा, और वो अगर हीरा ढूंढने के लिए निकला है, या चिंतामणि जो पत्थर होता है उसको ढूंढने के लिए निकलता है, तो लोग मूर्खी बोलेंगे उसको। तो उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु के बारे में बोलना ये कोई हमारे बस की बात नहीं है। तो जहाँ पर बड़े बड़े आचार्य भगवान के जो पार्षद हैं वो भी नम्रता के साथ बोल देते हमारी कोई पात्रता नहीं है, है ना, हम एक कीड़े मकोड़े के समान हैं, तो भगवान का हम गुणगान क्या कर पाएंगे। तो ये सब भक्तों की कृपा होती है कि कुछ गुणगान करने का एक मौका मिल जाता है, और हमारा सौभाग्य है कि आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी जो इस्कॉन के जो आचार्य हैं वो एक बार आउट ऑफ इंडिया मतलब तो भारत के बाहर उन्होंने क्या किया था कि लेक्चर देने के लिए चालू किया। तो जनरली कोई भी लेक्चर अगर चालू होता है, आपको पता होगा इस्कॉन के जो लेक्चर चालू होते हैं उसमें जय राधा माधव बोला जाता है, है ना, जय राधा माधव कुंज बिहारी। लेकिन प्रभुपाद जी ने उस वक्त जय राधा माधव से चालू नहीं किया, उन्होंने बोला परम करुणा बहुदुरीचना निताई गोरा चंद्र सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंद। तो उन्होंने बोला कि जो परम करुणा जो करने वाले हैं, परम करुणा बहुदुरीचना जो दो जने हैं, दो जने कौन है, गौरांग महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु, ये दोनों परम करुणा वाले हैं, हमारे ऊपर करुणा बरसाने वाले हैं। तो परम करुणा बहुद्विजना निताई गौरा चंद्र, नित्यानंद और गौरांग महाप्रभु ये दोनों आए हैं करुणा देने के लिए, और सब अवतार सार शिरोमणि सारे अवतारों के शिरोमणि है वो, और केवल आनंद करना बस आनंद ही आनंद है इसमें, है ना, इसमें क्या है, केवल आनंद ही आनंद है और कुछ नहीं है ना। इस दुनिया में बहुत सारे दुख आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन जो भी कोई चैतन्य महाप्रभु की कृपा धारण करेगा, जो कृपा के पात्र है, जो कृपा लेगा, उसके लिए कोई दुख नहीं है, उसके लिए केवल आनंद ही आनंद है। तो श्रील प्रभुपाद जी ने जब परम करुणा बहुद्विजना बोला तो उसके बाद में उन्होंने इमीडिएटली बोला देखो सब लोगों को गौरांग महाप्रभु का कृपा लेना चाहिए। किसका? गौरांग महाप्रभु का कृपा लेना चाहिए। तो सब लोग गौरांग महाप्रभु का कृपा लीजिए ऐसा बोल रहे थे, और अचानक रुक गए और उठकर सीधा चले गए, आगे बोल नहीं पा रहे थे, आगे वो बोल नहीं पा रहे थे। उन्होंने सीधा सीधा बोला गौरांग महाप्रभु कृपा लीजिए, केवल 3 मिनट का लेक्चर था। कितना मिनट का? केवल 3 मिनट का। कितना अच्छा होगा ना अगर 3 मिनट का लेक्चर रहेगा, है ना, इमीडिएटली महाप्रसाद है गोविंद ने। तो प्रभुपाद जी ने वो लेक्चर 3 मिनट का दिया और आगे बोल नहीं पाए हो, और इमीडिएटली उठ गए और सीधा चले गए। तो सब लोग समझ नहीं पा रहे थे ऐसा क्यों हो गया, ऐसा अचानक क्यों चले गए प्रभुपाद। तो प्रभुपाद जी के वहां पर जाके रूम में बैठे और देखने लगे तो प्रभुपाद जी रो रहे थे, उनकी आंखों में से आंसू आ रहे थे कि शायद हमें, तो प्रभुपाद जी के शिष्य बताते हैं, प्रभुपाद जी के शिष्य का नाम है देवाव्रत स्वामी महाराज। तो बोलते हैं कि देखिए हम शायद उनके स्तर पे नहीं है, इसलिए हमें उसका महत्व नहीं पता चल रहा है। शायद हम जब करते हैं चलो 16 माला कंप्लीट करना है, हाँ चलो सेवा करना है थोड़ा सा कर लेंगे, लेकिन जो गंभीरता के साथ वो हमें बता रहे हैं शायद उसको हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे प्रभुपाद जी के शिष्य बताते हैं। तो इसीलिए कौन कौन से स्तर पर है, जैसे अब माँ होती है, छोटा बच्चा अगर गड़बड़ी करता है या कुछ नटखट बना होता है या कुछ गलती करता है तो माँ को पता चलता है कि वो बहुत बड़ा गलती है, उसका जीवन में बहुत नुकसान दे सकता है, इसलिए वो माँ अपने स्तर पर बोलती है उसको, लेकिन बच्चे को समझ में नहीं आता है। तो उसी प्रकार प्रभुपाद जी जो हमें बताना चाहते हैं, जो हमारे सामने लाए हैं, शायद वो हमारे लेवल में समझने में हमारा थोड़ा कमतरता हो सकती है, तो लेकिन जितना हो सके उतना हमें शरणागत होने का प्रयास करना चाहिए। और यही आज एक मौका है जिस दिन हमें चैतन्य महाप्रभु की, गौरांग महाप्रभु की, नित्यानंद प्रभु में विशेष कृपा मिलती है। ठीक है, तो आगे बताते हैं कि देखो कि गौर तेजो बिना यस्तु श्याम तेजो समर्चयत, गौर तेजो बिना यस्तु श्याम तेजो समर्चयत। अगर कोई व्यक्ति गौर तेज, जिसने गौर तेज धारण किया है, जिसने सुवर्ण रंग धारण किया है, उसके बगैर अगर श्याम तेजो समर्चयत, अगर श्याम तेज किसने ग्रहण किया है, कृष्ण ने, श्याम वर्ण है,
तो श्याम वर्ण जिसने ग्रहण किया है उसका अगर केवल पूजा करता है, कृष्ण की पूजा करता है, जपेत ध्यायते, जपेत ध्यायते मतलब क्या, उसका जप और ध्यान करता है किसका, कृष्ण का, तो क्या होता है, उसमें बोलते हैं कि पातकी मतलब भवेत पातकी शिवे, पातकी मतलब फिर भी वो पतित है। अगर किसी ने चैतन्य महाप्रभु का शरण नहीं लिया और कृष्ण की शरण ली है तो भी वो पतित ही है ऐसा बोला जाता है, ठीक है ना। तो इसीलिए गौरांग महाप्रभु का कृपा लेना बहुत आवश्यक है, ये हम नहीं बोल रहे हैं, शास्त्रों में बताया गया है। तो एक एक, एक शास्त्र है जिसका नाम है गोपाल सहस्त्र नाम, जो गोपाल सहस्त्र नाम जो है उसमें वो जो उसमें सहस्त्र नामावली है गोपाल की कृष्ण की, तो उसमें बताया गया है कि श्याम वर्ण का केवल पूजा करेंगे, कृष्ण का पूजा करेंगे तो हमारा उद्धार नहीं होगा, हमें किसकी पूजा करना पड़ेगा, चैतन्य महाप्रभु की पूजा करनी पड़ेगी। जब चैतन्य महाप्रभु जब कृपा करेंगे तभी जाके हम भगवान कृष्ण को समझ पाएंगे। तो इसीलिए ये जो गौर पूर्णिमा है एक बहुत बड़ा हमें वरदान है सभी के लिए। तो आगे इसमें बताया गया है कि एक बार रूप गोस्वामी जो बड़े आचार्य हैं रूप गोस्वामी, तो वो चैतन्य महाप्रभु को बोलते हैं नमो महावदन्याय, क्या बोलते हैं नमो महावदन्याय, वदन्याय मतलब क्या, तांचु उदारता। तो उनके अंदर इतनी महावदन्याय बोला गया है, कितने बड़े दानी है वो। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं रूप गोस्वामी को कि मैं कैसा दानी हूं, मैंने तो संन्यास धारण किया है ना, मैं तो संन्यास का डंडा लिया है हाथ में, मैं क्या दान करूंगा। तो रूप गोस्वामी बोलते हैं कृष्ण प्रेम प्रदायते, क्या आप क्या देने वाले हैं, कृष्ण प्रेम सबसे बड़ा दान है दुनिया में, है ना। सब लोग प्रेम के भूखे हैं ना, बहुत कुछ पैसा है लेकिन प्रेम ही नहीं, क्या फायदा रहते, बोलते जीकर कोई मतलब ही नहीं। तो बोलते कि कृष्ण प्रेम प्रदायते, तो चैतन्य महाप्रभु बोलते अरे मैं कैसे कृष्ण प्रेम दे सकता हूँ, मैं तो गौरांग हूँ, मैं थोड़ी तुम्हें दे सकता हूँ। बोलते नहीं आप ही कृष्ण है, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय, आप ही कृष्ण है, कृष्ण चैतन्य बोलकर आए हैं आप। फिर बाद में बोलते कि अरे मैं तो कृष्ण हूं, लेकिन कृष्ण तो श्याम वर्ण है ना, काले है ना, कृष्ण कौन से वर्ण के हैं, काले हैं, श्याम वर्ण है, तो मैं तो गोरा हूं ना। तो बोलते गोरा मतलब गौरांग, तो सुवर्ण वर्ण है मांगो। तो बोलते कि गौरत्रिशे नमः, तो आप ही तो हो कृष्ण जिन्होंने गौर वर्ण धारण किया है। तो इसीलिए बोलते हैं नमो महावदन्याय, तो सब लोग पीछे बोलिए नमो महावदन्याय, कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्रिशे नमः। तो ये जो मंत्र है इस मंत्र को हमें ये करना चाहिए, क्योंकि तो फिर बाद में बोलते गौरत्रिशे नमः, तो वो बोलते कैसे क्या सुवर्ण वर्ण तो हूं मैं, लेकिन इसमें किसका भाव है, राधा रानी का भाव है। रूप गोस्वामी बोलते हैं किसका भाव है, राधा भाव द्युति सुवलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम। तो बोलते कि राधा का भाव है इसमें, द्युति है चमक, मतलब क्या बोलते चमक है, भगवान का जो वर्ण है वो कौन सा है, द्युति, द्युति मतलब राधा रानी की चमक है इसमें, तो इस प्रकार बोलते हैं। तो ये वाला जो मंत्र है, तो आज मैं आपको, आपने बहुत कुछ सुना है रोज के प्रवचनों, आज मैं आपको थोड़ी सी अलग कथा सुनाने वाला। तो कथा द्वापर युग से है, ऐसा नहीं कि चैतन्य महाप्रभु अचानक आ गए कहां से, तो भी है ना, चैतन्य महाप्रभु जो आए हैं द्वापर युग में इसकी कथा होती है। इसका मूल कैसा है, इसका शास्त्रों में वर्णन किया गया है। तो क्या बोला है कि एक बार राधा कृष्ण वृंदावन में एक वन है जिसका नाम है निधि वन। कौन सा वन है, निधि वन। तो ये जो निधि वन को निधु वन भी बोला जाता है। तो ये निधि वन में आज आपने बहुत लोगों ने सुना होगा, निधि वन किसको बोलते हैं, जहां पर रात में राधा कृष्ण की लीलाएं चलती है ना, आपने वीडियो यूट्यूब में देखा होगा कि राधा कृष्ण की लीलाएं चलती है, और कहते हैं कि वो जो निधिवन जितना दिखाई दे रहा है वो रात में उतना नहीं रहता है, वो अनंत सीमा तक चला जाता है। कितना अनंत सीमा, जिसकी सीमाएं नजर नहीं आती, और उसमें करोड़ों अनंत गोपियां रहती हैं और कृष्ण उतने रूप ले लेते हैं।
उतने विस्तार कर देते हैं खुद को। ऐसा निधिवन जो है, हमारी मर्यादा जो है, आंखों की मर्यादा, उस मर्यादा के दृष्टि से अगर देखा जाए तो केवल हमें सीमित मात्रा में दिखाई देता है, फक्त कहीं से दिखता अपना, ठीक है। तो ऐसे निधिवन में जो कृष्ण है और राधा रानी विचरण कर रहे थे, लीलाएं कर रहे थे, विहार कर रहे थे, तो विहार करते करते थक गए, तो राधा कृष्ण सो गए, और सोकर राधा रानी को रात में एक सपना आया। क्या आपको पीछे सुनाई दे रहा है सबको? अच्छा, तो राधा कृष्ण सो गए थे, सोकर उठे, अचानक राधा रानी नींद में से उठती है और पूरा डरी हुई रहती हो, डरी हुई मतलब क्या है, आश्चर्य व्यक्त होता है उसके चेहरे पर। तो कृष्ण भी उठ जाते, बोलते क्या हुआ क्या हुआ। तो राधा रानी बोलती कि मैंने बहुत जबरदस्त सपना देखा है, ऐसा सपना देखा कि मैंने आज तक भी ऐसा सपना नहीं देखा। बोलते कैसे, क्या देखा तुमने सपने में? तो बोलते कि मैंने तो एक यमुना नदी की जैसी नदी दिखी, और ये यमुना नदी यमुना नहीं थी भला क्या, ये कोई दूसरी नदी थी, शायद गंगा नदी होगी, और ये गंगा नदी के वहां पर कुछ जो लोग हैं, भक्त हैं आपके भक्त, वो नाच रहे थे और अलग ही रूप में थे, दिखने में तो ब्रजवासी लग रहे थे लेकिन नाच रहे थे अलग ही, एक यूनिक स्टाइल में नाच रहे थे, हाथ ऊपर करके नाच रहे थे। बोलिए गौरंग गौरंग गौरंग। तो ऐसा कर करके वो नाच रहे थे, तो लेकिन ये ब्रजवासी तो लग रहे थे लेकिन ब्रजवासी के जैसे भी नहीं लग रहे थे, थोड़ा सा अलग लग रहे थे। तो फिर शायद वो आपके ही भक्त होंगे, कृष्ण के भक्त होंगे शायद आप, और उसमें एक बहुत ही ऊंचा कद वाला व्यक्ति दिखाई दे रहा था, और वो भी ऐसा तेजोमय लग रहा था, कौन होगा वो, शायद आप ही होंगे वो। लेकिन तो कृष्ण बोलते कि मैं कैसे हो सकता हूँ, हाँ बराबर है, वो तो आप तो काले हैं ना, वो तो गोरे हैं, हाँ गोरे मतलब कौन है, सुवर्ण रंग के हैं। तो फिर कृष्ण बोलते कि नहीं नहीं मैं होगा शायद। तो राधा रानी बोलती है नहीं नहीं आप नहीं हो सकते। तो इस प्रकार दोनों में बातें होती है, फिर कृष्ण बोलते नहीं नहीं ठीक है मैं हो सकता हूँ, शायद मैंने रंग दूसरा लिया होगा, तो ऐसा बोलते हैं। तो राधा रानी बोलती शायद आप ही कंफ्यूज हो रहे हैं ज्यादा, है ना, आप एक काले दिखने में तो काले लग रहे हो, आप कैसे सुवर्ण वर्ण का हो सकते हैं। तो इस प्रकार का बात होने लगा। फिर कृष्ण बोलते रुको रुको, तो अपने छाती पर जो कौस्तुभ मणि है वो कौस्तुभ मणि हाथ में हाथ से निकाल कर राधा रानी को देते हैं और बोलते देखो इसे। और जैसे देखती है राधा रानी तो उसको पूरा सपना वापिस याद आ जाता है, और वो सपने में देखती तो क्या, वो जो सुवर्ण वर्ण धारण किए हुए जो गौरांग महाप्रभु है वो क्या करते हैं, काला वर्ण वापिस धारण कर लेते, श्याम वर्ण, और वापिस श्याम वर्ण से गोरा वर्ण हो जाते हैं, वापिस गोरा वर्ण से श्याम वर्ण हो जाते हैं, श्याम वर्ण से गोरा वर्ण हो जाते हैं। ऐसा करते करते राधा रानी बोलती है ये कुछ तो भी गड़बड़ लग रहा है। तो कृष्ण बोलते वो मैं हूँ, क्या है वो मैं हूँ, वही कृष्ण है और वही मैं हूँ और वही गौरांग महाप्रभु है। तो राधा रानी बोलती है कि अच्छा तो ये गोरा वर्ण कहाँ से आ गया बताइए, ये जो गोरा वर्ण कहाँ से आया, सुवर्ण वर्ण कहाँ से आया। तो कृष्ण बोलते हैं वो तुम हो। बोलते मैं कैसे हूँ, मेरा वर्ण कैसे, बोलते हम दोनों हैं, ना तुम हो ना मैं हूँ, कौन है, हम दोनों साथ में हैं, है ना, तो हम दोनों साथ में हैं, राधा कृष्ण द्युति सुवलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम। तो ये जो राधा और कृष्ण है हम दोनों साथ में अवतरित होने वाले हैं आने वाले कलयुग में। तो इस प्रकार का ये कथा होता है, कब, निधिवन में हुआ है। तो उसके बाद में आगे बोलते हैं कि देखो कि इसीलिए क्या बोला जाता है, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य, राधा का भाव लेकर, हाँ राधा का भाव लेकर और वर्ण लेकर, चमक जो वर्ण लेकर कृष्ण अवतरित हुए गौरा महाप्रभु के रूप में। तो इसके पहले और एक कथा आती है, बहुत अच्छी कथा है, तो थोड़ा ध्यान से सुनना, बहुत बढ़िया कथा है, ठीक है। तो आपको मालूम है नारद जी सबको मालूम है ना, है ना, हरि बोल। तो नारद जी जो है उनको यूनिवर्सल वीजा मिला है, कौन सा वीजा, यूनिवर्सल वीजा, हमें यहाँ से दूसरे देश में जाना है तो वीजा लगता है, लेकिन नारद जी कहाँ पर भी ब्रह्मांड में जा सकते हैं, इसी ब्रह्मांड में नहीं दूसरे भी ब्रह्मांड में जा सकते हैं, हर जगह पर घूम सकते हैं, पूरे ब्रह्मांड का वीजा है, गोलोक वृंदावन का वीजा है, वैकुंठ का वीजा है, दूसरे ब्रह्मांड का वीजा है, सब तरफ का वीजा मिला है। ऐसे जो नारद जी है वो
वो घूमते घूमते निकले, निकलते निकलते चल रहे थे और आपको मालूम होगा कि चार युग होते हैं। चार युग, कौन सा युग है? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तो चारों युग में चार जो धर्म के जो खंभे हैं, चार खंभे, एक होता है जो तपस्या जो होती है वो सतयुग में खत्म हो चुकी, बाद में दया खत्म हो गई जिसमें त्रेता युग में, द्वापर युग में स्वच्छता खत्म हो गई और अभी कलयुग में क्या बचा है? सत्य बचा है। तो ये जो चार खंभों में से एक खंभा बचा है तो इसी खंभे पे हम चल रहे हैं, अभी हमारा गाड़ी उसी खंभे पे चल रही है। तो जो नारद जी है वो घूमते घूमते चल रहे थे, कलयुग में आ गए और कलयुग के बारे में सोच रहे थे आगे क्या हो रहा है कलयुग में। तो त्रिकालज्ञ बोलते ना, त्रिकालज्ञ मतलब क्या होता है? जिसके पास टाइम मशीन होती है। आपने कभी टाइम मशीन का नाम सुना है? टाइम मशीन क्या होता है? कौन से भी युग में जा सकते हैं, सतयुग में भी जा सकते हैं, त्रेता युग में जा सकते हैं, द्वापर युग में जा सकते हैं, भविष्य में भी जा सकते हैं। तो नारद जी के पास टाइम मशीन था और टाइम मशीन के माध्यम से वो कहां पर चले गए? भविष्य में चले गए और देखने लगे कलयुग में क्या क्या चल रहा है। अरे सब लोग नीचे ऐसा झुक के बैठे हैं, क्या करके बैठे हैं? सब लोग ऐसा झुक के बैठे हैं। फिर नारद जी देखते क्या कर रहे हैं, मोबाइल में देख रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मोबाइल में, सब लोग मोबाइल में देख रहे हैं, सब लोग मोबाइल में चिंता में है, टेंशन में है, गेम खेल रहे हैं, हाँ किसी के हाथ में रिमोट कंट्रोल दिख रहा है, दिन रात केबल टीवी के सामने बैठे हुए हैं, हाँ और न्यूज चैनल देख रहे, इधर ये हो गया, उधर हो गया, यूक्रेन में ये हो गया, तो सब तरफ ऐसा हो रहा है, सब देख रहे हैं और कोई भगवान का नाम लेने के लिए उत्सुक नहीं है। और नारद जी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा करते करते जा रहे थे और करते करते आगे बढ़ रहे थे। बोले कि ये लोग बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे मेरी तरफ, सब लोग अपनी बात में उलझे हुए हैं, इनको बोलते अरे हरे कृष्णा बोलिए तुम सुनते नहीं है, इच्छुक नहीं है बिल्कुल भी नाम का, भगवान का नाम लेने के लिए बिल्कुल भी इच्छुक नहीं है। तो ऐसा जब होता है तो फिर वो निराश हो जाते हैं, बोले क्या करेंगे कैसे, मैं भगवान को इधर बुलाऊंगा क्योंकि मेरे अंदर उतनी शक्ति नहीं है। क्या है? मेरे अंदर उतनी शक्ति नहीं कि मैं खुद पूरी दुनिया का उद्धार करूं, इसके लिए किसको बुलाना पड़ेगा? भगवान को बुलाना पड़ेगा। तो कहते हैं शास्त्रों में बताया गया है जो शुद्ध भक्त होता है वो शुद्ध भक्त की इच्छा ही भगवान की इच्छा होती है, जो शुद्ध भक्त होता है उसकी इच्छा ही भगवान की इच्छा होती है। भगवान की प्लानिंग भी बदल देते हैं अपनी, भगवान जो है ना अपनी जो योजना है उसको भी बदल देते हैं, अपनी योजना को बदल देते हैं भगवान, अपना खुद का शेड्यूल इंकार्नेशन रहेगा। हाँ जैसे कुछ समय के बाद अवतार होने वाला है, अवतरित होने कली कत्य अवतार होने वाला है या फिर राम अवतार होने वाला है, तो भगवान अपना प्लान बदल देते हैं और उन्होंने सडनली वही भगवान जो है अपने भक्त की इच्छा क्या उसको ज्यादा मान देते हैं। तो इस प्रकार नारद जी निकल पड़े, चल रहे थे घूमते, तो फिर वो कहां पर आते? जगन्नाथपुरी में आते हैं। जगन्नाथपुरी में आकर घूम रहे थे, परेशान थे, चिंतित थे, कलयुग को देखकर कलयुग के लोग भगवान की भक्ति नहीं कर रहे, केवल फिल्मी गाने सुन रहे हैं, हाँ अंताक्षरी खेल रहे हैं, तो ऐसे जो लोग हैं इनको कैसे भक्ति दिलवाएंगे, तो निराश हो रहे थे। तो उस वक्त जगन्नाथ जो है, जगन्नाथ अपने जगन्नाथ स्वामी जो है जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, तो उनका आवाज आता है, मैं जगन्नाथ बोल रहा हूं। और बोलते हैं कि देखिए नारद जी आप इतने चिंतित क्यों हैं, क्यों इतना आप टेंशन में हैं, क्यों प्रॉब्लम में फंसे हुए हो? तो बोलते हैं चिंता दूर लग रहे हो, तो आप ऐसा कीजिए अभी के अभी वैकुंठ चले जाइए। कहां पर? वैकुंठ में वहां पर भगवान का अवतार ऑलरेडी है, भगवान का विस्तार हो चुका है और भगवान जो अवतरित होने वाले हैं उसके बारे में तुम्हें पता चल जाए। तुम जाओ वहां पर, जो अवतार होने वाला है वो कैसा अवतार है? सोनेरी रंग में अवतरित होने वाले हैं, सुवर्ण वर्ण में अवतरित होने वाले हैं, ऐसा अवतार ऑलरेडी वहां पर विस्तारित हो चुका है और वही अवतार इस पृथ्वी पर आने वाला है और हरिनाम संकीर्तन का क्या करने वाले हैं? आंदोलन करने वाले हैं। युग धर्म कौन सा है? कलयुग का युग धर्म हरिनाम संकीर्तन, गोरो केरा प्रेम देना हरिनाम संकीर्तन। तो इस प्रकार वो बोलते हैं और नारद जी निकल पड़ते हैं किधर? वैकुंठ की ओर।
वैकुंठ में जाते हैं तो वैकुंठ में जाने के बाद वहां पर पता चलता है कि वो जैसे द्वारका में एंट्री करते हैं, द्वारका में तो द्वारका में एंट्री करते हैं और द्वारका में क्या होता है देखिए अभी कि जो रुक्मिणी माता है रुक्मिणी को पता चलता है कि कृष्ण भगवान आने वाले मेरी महल में आने वाले हैं। तो अभी देखिए ऐसा नहीं कि अभी कोई व्यक्ति रोज रोज अगर हमारे घर पे आते हैं तो रोज हम उसकी आरती उतारते हैं क्या? हाँ हो गया, साल में एक बार आरती उतारेंगे, रोज नहीं उतारेंगे ना आरती किसी का, है ना। अभी रुक्मिणी के पति कौन है? कृष्ण है और कृष्ण आने वाले हैं। अभी देखिए भगवान की जो गुण है वो बढ़ते जाते हैं, भगवान की सुंदरता बढ़ती जाती है, तो हर दिन नया है, हर दिन नया है। तो ये फैन बंद करके चलो इधर। हाँ तो देखिए, तो जब कोई एक ही व्यक्ति अगर बार बार आएगा तो हम उसे रोज आरती नहीं उतारते हैं तो आरती, लेकिन भगवान के धाम में रोज आरती करते हैं, रोज आरती का सामान तैयार होता है उधर, है ना। आज हमें एक दिन तैयार करना है तो कितना भागना पड़ता है, लेकिन भगवान के धाम में रोज आरती रहता है। तो जब रुक्मिणी माता को पता चलता है कि कृष्ण भगवान जो है द्वारकाधीश, ये सत्यभामा के रूप से आने वाले, महल से आने वाले, मेरे पास आने वाले हैं, तो बहुत आतुर हो जाती है और वो पूरा भाव विभोर हो जाती है, बोलती कि मैं कृष्ण का कैसे स्वागत करूंगी। और पूरा आरती का सब सामान तैयार करती है, फूलों का जो फूलों के हार वगैरह तैयार करती है, फिर जो गाने वाले रहते सब गाने वाले तैयार हो जाते हैं, गंधर्व मतलब वहां पर जो गाने वाले सब लोग तैयार है और वाद्य बज रहे हैं, संगीत वाद्य बज रहे हैं, अच्छे अच्छे गायन हो रहा है और कृष्ण आ रहे हैं। पर कृष्ण जैसे ही आते हैं, आने के बाद जो ये है रुक्मिणी माता, वो क्या करती है, उनकी पूजा करती है, उनके चरणों को धोती है, सुगंधित जलों से चरणों को धोती है और चरणों को धोकर आरती करती है। आरती करने के बाद वापिस चरणों में गिर जाती है रुक्मिणी माता, और गिरकर सीधा उनके चरणों को पकड़कर अपनी छाती को लगा देती है और कृष्ण और रोना चालू करती है, रोने लगती है रुक्मिणी माता। तो फिर कृष्ण बोलते, अरे अचानक क्या हो गया, अचानक क्यों रोने लगे हो, क्या प्रॉब्लम है? अरे तुम्हारे जितना मुझे कोई प्रिय नहीं है इस दुनिया में, तुम तो मेरी सबसे बड़ी प्रिय पत्नी हो, इसलिए रो रही हो कि शायद मुझे और कोई प्रिय लगा है? हाँ ऐसा तो नहीं है, अरे तुम मेरी सबसे बड़ी प्रिय पत्नी हो। फिर भी रुक्मिणी माता रो रही थी, बोलती शायद मैं तुम्हारे साथ कभी कभी मजाक करता हूँ, कभी हंसी मजाक कर लेता हूँ, गुस्सा आता है क्या? उसका तो गुस्सा नहीं है। तो ऐसा कृष्ण उसको मनाने का प्रयास कर रहे थे। उसके बाद में फिर भी रुक्मिणी माता जो है रो रही थी, कंटिन्यूसली रो रही थी। तो फिर आखिर में जो कृष्ण बोलते हैं कि देखो बताओ मुझे क्यों रो रही हो, तो रुक्मिणी माता बोलती है, देखो आपके जो चरण है ना, चरण, ये चरण में इतना शक्ति है, इतना प्रेम है, तो जिसको ब्रह्मा जी भी सर पे अगर लेते हैं तो वो नाचने लगते हैं, शिव जी भी अगर आपके चरणों की धूल लेते हैं तो नाचने लगते हैं और नृत्य करने लगते हैं। तो आपके चरणों का जो वाइब्रेशन है या चरणों से जो सुगंध निकलता है, वो सुगंध जिधर जिधर फैल जाता है और अगर कोई व्यक्ति वहां पर है वो अगर सूखता है आपके चरणों की सुगंध, तो क्या होता है कि उसके जन्म मृत्यु चरावेदि का चक्र छूट जाता है, केवल सुगंध से, भगवान के चरणों की सुगंध अगर आती है। तो इस प्रकार वो बोलती रहती है और भगवान के चरणों का गुणगान करती है। तो कृष्ण बोलते, अच्छा मेरे चरणों का इतना गुणगान है, ये तो मुझे पहले कभी पता ही नहीं था। तो फिर और वो बोलने लगती थी, देखो कि ये जो चरणों का गुणगान है, आपके चरणों के प्रति जो आकर्षण है, ये आकर्षण मेरा ही नहीं राधा का भी है। किसका है? राधा का भी है। तो अगर आपको आपके भक्तों का भाव क्या है अगर समझना है कि मैं क्यों रो रही हूं, अगर आप ये समझना चाहते हैं तो आपको भक्त बनना पड़ेगा, आपको राधा का भाव लेना पड़ेगा। राधा का भाव अगर लेंगे तभी जाके आप ये समझ पाएंगे, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा क्या है ये, मैं क्यों रो रही हूं, समझ में नहीं आ पाएगा। तो बोलते कैसे? तो फिर वापिस कृष्ण बोलते हैं कि
थोड़ा वापिस रिपीट करो, क्या बोल रहे थे तुम? ये जो शब्द है ना राधा भाव, ये शब्द कुछ अलग लग रहा है मुझे, और ये शब्द मेरे हृदय को आनंदित कर रहा है। ये शब्द राधा का जो है नाम, ये मुझे आनंदित कर रहा है। तो जरा फिर से बोलो। तो रुक्मिणी माता बोलती कि देखो राधा का भाव जो है वो बहुत परम परम दिव्य है, आप उसको ग्रहण करो, तभी जाके आपको पता चलेगा कि भक्त कितना प्रेम करते हैं आपसे, मैं क्यों रो रही हूँ पता चलेगा। तो इस प्रकार जब राधा का नाम लिया जाता है तो कृष्ण है वो भाव विभोर हो जाते हैं, भाव विभोर होते हैं। और फिर बाद में जो राधा रुक्मिणी माता है वो उनका गुणगान करने लगती है। देखो जो राधा रानी है हमेशा आपके साथ वृंदावन में विहार करती है, वो आपकी शाश्वत प्रेयसी है, वो जितना जानती है आपको, आप उनको जितना प्रेम, वो जितना आपसे प्रेम करती है, दुनिया में उनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। राधा रानी का जो प्रेम है कृष्ण के प्रति का, वो कोई भी नहीं जान सकता है, वो बहुत ऊंचे स्तर का है। और दूसरा जो है वो मैं हूं, तो राधा रानी के बाद मैं जानती हूं कि आपका जो प्रेम है उस प्रेम में कितना ताकत है। तो इस प्रकार बोलती है राधा रुक्मिणी माता। और उसके बाद में जो रुक्मिणी माता बोलती है कि देखो आप क्या कीजिए, आप भक्त का अवतार लीजिए। किसका? भक्त का अवतार लीजिए। तो उसी वक्त कृष्ण बोलते कि ठीक है, अगर मुझे ये समझना है तो मुझे भक्त का अवतार लेना पड़ेगा और मैं लूंगा। और उसी वक्त ये जो नारद जी है वहां पर आ रहे थे, नारद जी वहां पर आ गए थे। नारद जी कहां पर आए? द्वारका में। ये वाला द्वारका नहीं जिसको हम बेट द्वारका कहते हैं या द्वारका कहते हैं, जो हमारे कहां पर है? गुजरात में है। तो वहां के द्वारका की बात नहीं कर रहे, कहां के द्वारका की बात कर रहे? आध्यात्म जगत की द्वारका की बात कर रहे। और उसके बाद में अध्यात्म जगत में जब नारद जी प्रवेश करते हैं, तो प्रवेश करने के बाद उसी वक्त रुक्मिणी माता देखती है, कृष्ण भगवान देखते हैं, द्वारकाधीश जी देखते हैं और इमीडिएटली उनका वेलकमिंग करते हैं, आते हैं नारद जी को, नारद जी का स्वागत करते हैं, नारद जी के चरणों की पूजा करते हैं और नारद जी को आसन ग्रहण करने के लिए बोलते हैं। अभी नारद जी आसन ग्रहण करते हैं और उसके बाद में और कृष्ण जो है गले लगाते हैं इसको नारद जी को। तो कृष्ण देखते हैं कि अरे तुम्हारा हृदय तो आनंदित लग रहा है लेकिन चेहरा कैसा सूखा सूखा लग रहा है, तुम ऐसा लग रही बहुत चिंतित लग रहे हो नारद जी, क्या बात है? अरे मेरा भक्त जब भी चिंतित लगता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, मैं उसको सहन नहीं कर सकता। तो नारद जी बोलते नहीं है, बोलते बताओ तुम्हें क्या प्रॉब्लम है कि देखो। तो फिर नारद जी बोलना चालू करते हैं और नारद जी बोलते हैं कि देखो कि कलयुग में ऐसी दुर्दशा हुई है पूरे जगत में कि कोई भी आपका नाम नहीं ले रहा है, आपका नाम नहीं ले रहा है और सब लोग अपने अपने बातों में बिजी है, सब पैसा कमाना, इनका एक ही धर्म है। कौन सा धर्म है? पैसा कमाना। क्या है? एक ही धर्म है इनका, पैसा कमाना। और पूजा कुलसी कर्म ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप। क्या बोलते हैं लोग? क्या बोलते हैं? कर्म ही पूजा है। और क्या बोलते हैं? वर्क ही वर्शिप है। और कौन सा धर्म है इनका? मनी इज अ रिलीजन। वर्क इज अ वर्शिप एंड मनी इज अ रिलीजन। पैसा ही धर्म है और कर्म ही पूजा है। ऐसा ये हमेशा यही लोगों का काम है और किसी बातों में ध्यान नहीं दे रहे ये लोग। तो इसीलिए इनका थोड़ा उद्धार करना है। कैसे करेंगे हम इनका उद्धार? तो कृष्ण बोलते देखो अभी अभी रुक्मिणी माता ने बहुत अच्छी बात कही है। क्या बात कही है? कि राधा का भाव को समझ लीजिए आप। और बहुत अच्छी बात कही है कि राधा का भाव लेकर आप अवतरित हो जाइए, तभी जाके आप कहां पर समझ पाएंगे कि भक्तों का ये क्या है, उद्देश्य क्या है, भक्तों का प्रेम कैसा होता है। तो कृष्ण बोलते हैं कि मैं अभी अवतरित होने वाला हूं सुवर्ण वर्ण में, राधा का भाव लेकर, राधा का वर्ण लेकर मैं अवतरित होने वाला हूं पृथ्वी के ऊपर। और अवतरित होकर मैं क्या करने वाला हूं कि जो तुम्हारी चिंता है उस चिंता को दूर करने वाला हूं, उस चिंता को नष्ट करने वाला हूं। तो ऐसे कृष्ण बताते हैं, ठीक है। तो उसके बाद में और वहां पर चैतन्य महाप्रभु का अवतार धारण कर लेते हैं, रूप धारण कर लेते हैं। कौन? कृष्ण। इमीडिएटली कृष्ण क्या करते हैं? गौरा महाप्रभु का रूप धारण कर लेते हैं, है ना। बोलिए गौरंगा, गौरंगा।
जो है भगवान बोलते हैं, लोचन दास ठाकुर बताते हैं कि पहला गौरांग महापुरुष का जो रूप है कहां पर दिखाया गया, द्वारका में दिखाया गया। कहां के द्वारका में? गोलोक वृंदावन वैकुंठ में जो द्वारका है वहां पर जो दिखाया गया चैतन्य महाप्रभु का जो अवतार है, रूप है, वो किसने दिखाया? कृष्ण ने नारद जी को दिखाया। ये पहला रूप कृष्ण ने चैतन्य महाप्रभु का दिखाया है द्वारका में। तो इस प्रकार फिर बाद में वहां से जो कृष्ण है, कृष्ण को प्रार्थना करते नारद जी, बोलते देखिए नारद जी मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि देखिए हम तो दुनिया में इतने भक्त हैं, भक्त भक्ति करते माया में फंस भी जाते हैं, तो मैं ऐसा कभी माया में ना फंसू, चाहे तो मेरा पुनर्जन्म हो जाए लेकिन मैं आपकी प्रेमा भक्ति लेना चाहता हूं, आपकी जो प्रेमा भक्ति है उसको मैं धारण करना चाहता हूं, मैं आपका प्रेम स्वीकार करना चाहता हूं, मुझे आपके लिए प्रेम करना है, तो ऐसी प्रेमा भक्ति का स्वाद लेना चाहता हूं, इसीलिए आप क्या कीजिए, आप मुझे वरदान दीजिए कि मैं आपसे दूर ना चला जाऊं। तो कृष्ण बोलते कि देखो अभी हम कहां पर जाने वाले हैं, नवदीप मायापुर में जाने वाले हैं, है ना। बहुत लोगों को नवदीप मायापुर ही मालूम नहीं है, मायापुर मालूम है किसको? नहीं मालूम मायापुर, मायापुर बहुत लोगों को नहीं मालूम है ना। मैंने जब पहली बार सुना तो हमें लगा कि माया नगरी है, शायद माया नगरी होगी, लेकिन तो ऐसा कहा जाता है कि ये जो नवदीप मायापुर है कहां पर बसा हुआ है, गंगा नदी के किनारे। कहां पर बसा हुआ है? गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, इसीलिए बोलते हैं यही समुद्र गढ़ी ग्रामे। क्या बोलते हैं? यही समुद्र गढ़ी ग्रामे, मतलब क्या? समुद्र गढ़ी मतलब क्या? जहां पर नदी समुद्र से मिलती है उसको समुद्र गढ़ी बोला जाता है। यही समुद्र गढ़ी ग्रामे, हाँ यही समुद्र गढ़ी ग्रामे वासे दर्शन हेते। वासे दर्शन, वास मतलब क्या है? इसी नदी के किनारे पर कौन अवतरित हुए? कृष्ण चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए और यहां पर क्या करते हैं? गंगा नदी को दर्शन देते हैं, दर्शन देते हैं। और क्या बोलते हैं? निर्मल भक्ति, उपजे निर्मल भक्ति। यहां पर कौन सी भक्ति जागृत होती है? निर्मल भक्ति जागृत होती है। कहां पर? नवदीप मायापुर में। उपजे निर्मल भक्ति किसके प्रति? श्री गौरचंद्र थे। यहां पर गौरांग महाप्रभु जो है जहां पर अवतरित हुए उनके प्रति चैतन्य, उनके प्रति क्या जागृत होती है? उपजे निर्मल भक्ति। निर्मल भक्ति मतलब क्या? जिसमें कोई खोट नहीं है, जिसमें कोई मैल नहीं है, जिसमें कोई दोष नहीं है, निर्मल है, अमल है, तो ऐसी भक्ति जागृत होती है। अहितु की अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्ध थी। तो ऐसी कृष्ण के प्रति गौरा महाप्रभु के ऊपर कृपा, गौरा महाप्रभु अवतरित हुए हैं कहां पर? समुद्र गढ़ी, मतलब समुद्र के किनारे, समुद्र से जब नदी मिलती है तो उस वहां पर तो भगवान चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए। तो इस प्रकार जब चैतन्य महाप्रभु का अवतरण होता है उसके बाद में जो चैतन्य महाप्रभु का अवतरण होने के बाद ऐसा कहते हैं कि सारे जो ब्रह्मांड के जितने भी ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड के जो तीनों लोक है वहां के सारे देव देवता अवतरित हुए। कहां पर? नवदीप मायापुर में। किसको देखने के लिए? चैतन्य महाप्रभु का अवतरण देखने के लिए। हाँ, चैतन्य महाप्रभु का अवतरण देखने के लिए सारे अवतरित हुए और सब लोग, और किसी को पता नहीं चल रहा था सारे देव देवता है, सारे साधारण लोगों के, जैसा हमारा सामान्य लोग होता है, सामान्य लोग के रूप में सब सारे देव देवता थे। ब्रह्मा जी आए थे, शिव जी आए थे, सारे इंद्र चंद्र सब लोग आए थे वहां पर जब चैतन्य महाप्रभु का अवतरण हुआ। आज का जो दिन है फाल्गुन पूर्णिमा का, इसको गौर पूर्णिमा बोला जाता है, बाहर जाके देखेंगे तो आपको बहुत बड़ा चंद्र नजर आएगा। हाँ है ना, तो आपको टाइम दिया जाएगा, प्रसाद लेते हुए देख लेना, तो बहुत बड़ा चंद्र नजर आता है और ये गौर पूर्णिमा का चंद्र है। तो ये जो चंद्रमा है तो कहते हैं कि चंद्र नित्यानंद सहउदितो, तो नित्यानंद प्रभु के साथ अवतरित हुए थे। कौन? गौड़ दे पुष्पवंतो चित्रो संतोष तमोनुदो। तो इस भौतिक जगत का जो तमा मतलब अंधकार है, अज्ञान का अंधकार, उसको नष्ट करने के लिए दो क्या बोलते उसको, सूर्य और चंद्रमा के रूप में कौन अवतरित हुए? गौरा महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु अवतरित हुए। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु का अवतरण हुआ। उसके बाद में सची माता ने उनका नाम रखा, क्या नाम रखा? निमाई।
निमय रखा, क्यों बना? नीम के पेड़ में, पेड़ के नीचे अवतरित हुए चैतन्य महाप्रभु। और उसके बाद में जो जगन्नाथ मिश्र है वो क्या करते हैं, वो बहुत बड़ा जात कर्म संस्कार करते हैं। विधि विधान के अनुसार जब हम हमारे घर में जन्म लिया जाता है, जब बच्चा जन्म लेता है, तो हमारी वैदिक संस्कृति के अनुसार विधि विधान के साथ करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस उसको बहुत सारे कुछ अलग अलग कुछ तो भी फैशनेबल आइटम्स दिखाएंगे, है ना। यहाँ पर हम भगवान को जब गौर निताई सामने आए थे तो उनके सामने हमने कुछ पवित्र चीजें को सामने रखा था, शहद रखा था, फिर बाद में अलग अलग दूध घी होता है, दही होता है, ये सब शगुन चीजें होती हैं। गाय की पूंछ के जो बाल होते हैं वो सामने रखे, देखिए पवित्र माना जाता है। अभी गाय को यहाँ पर नहीं लेके आ सकते, तो जब आप इसमें चले जाते हो कहाँ पर, जो रंगनाथ जी का मंदिर है वहां पर अगर आप जाते हो तो गायों का दर्शन देते हैं, भगवान को गाय का दर्शन दिया जाता है। भगवान जब आंखें खोलते पहले तो किसका दर्शन लेते हैं, गाय का दर्शन लेते हैं। तो इस प्रकार दर्शन किसका होना चाहिए, पवित्र चीजों का दर्शन होना चाहिए। तो विधि विधान के अनुसार जगन्नाथ मिश्र ने सारे विधि विधान के अनुसार क्या करते हैं, उनका पूरा जात कर्म संस्कार करते हैं। और संस्कार करने के बाद फिर बाद में आज जो दिन है गौर पूर्णिमा का दिन, उस दिन अवतरित हुए चैतन्य महाप्रभु। तो ये जो चैतन्य महाप्रभु है सब को इनको महावदन्य अवतार बोला जाता है, और ये हमारा कल्याण करने वाले हैं। और इन्होंने हरिनाम संकीर्तन का क्या किया था, प्रचार किया था, आंदोलन किया था। और उसके बाद में कहा जाता है कि ये जो चैतन्य महाप्रभु है, ये चैतन्य महाप्रभु कुछ बहुत बड़े बहुत अच्छे सूचनाएं देते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए कि बोलते हैं कि हमेशा कृष्ण की भक्ति करो, कृष्ण का कीर्तन करो बोलते हैं। किसका कीर्तन करना चाहिए, कृष्ण का कीर्तन। जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने वाले थे, संन्यास लेने के पहले उन्होंने कुछ सूचनाएं दी थी, और वो कहते हैं कि ऐसे शास्त्र पढ़ना चाहिए जो शास्त्र में कृष्ण की भक्ति बताई गई है। ऐसी भक्ति करना चाहिए, केवल कृष्ण की भक्ति करना चाहिए। अगर कोई शास्त्र कृष्ण की भक्ति छोड़कर अगर बताता है तो अज्ञान है बोलते हैं। अगर कोई शास्त्र कृष्ण की भक्ति छोड़कर अगर बोलते हैं कुछ भी करने के लिए, कर्मकांड करने के लिए, तो भी वो क्या है, अज्ञान है, क्योंकि हमें अज्ञान में ही डालने वाले हैं और कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा उद्धार नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार जो चैतन्य महाप्रभु है वो बताते हैं, बहुत बड़ी शिक्षण देते हैं, शिक्षाएं देते हैं हमें, हमारे लिए। विशेषता कलयुग के जो जीव है इनके पास कोई चारा नहीं है, हाँ, इसलिए आजकल कलयुग में कौन सी बातें करते हैं, आरक्षण की बातें करते हैं, है ना। हमें आरक्षण चाहिए, आरक्षण चाहिए, आरक्षण चाहिए, बच्चों को आरक्षण चाहिए, स्त्रियों को आरक्षण चाहिए, हाँ, मागासवर्गियों को आरक्षण चाहिए, सबके लिए आरक्षण की बातें होती है। तो ऑलरेडी हम बैकवर्ड ही है इसमें, कलयुग में सब बचे हुए लोग हैं। सतयुग में कुछ लोगों का उद्धार होगा, वो चले गए भगवान के राह में, कुछ बच गए, फिर वो त्रेता युग में आ गए, वहां पर कुछ लोगों ने अपना उद्धार कर लिया, वो चले गए भगवान के धाम में, कुछ बैकवर्ड हो गए उसमें, सीधा किधर आ गए, द्वापर युग में आ गए, उनमें से कुछ लोगों ने उद्धार कर दिया, अब बचे हुए हम है इधर, है ना। तो हमें आरक्षण चाहिए, तो आरक्षण के लिए कंसेशन दिया जाता है ना। जो आरक्षण मतलब क्या है, कंसेशन, कि जहां पर 90% देकर डॉक्टर के लिए एडमिशन मिलता है वहां पर 35% मिलकर भी डॉक्टर बन सकता है। तो उसी प्रकार चाहे हमारी पात्रता हो या ना हो, चाहे हमारे अंदर गुण हो ना हो, चाहे हम लायक है या नहीं है, अगर हम केवल भगवान का नाम लेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे कुछ समझे या ना समझे, चाहे हम बुद्धू हो या बुद्धिमान हो, चाहे हम गोरे हो या काले हो, हाँ, लेकिन दिल वाले होना चाहिए, है ना। गोरे हो या काले हो, स्त्री हो या पुरुष हो, बच्चा हो या बूढ़ा हो, चाहे उसको कुछ भी ना समझे। अभी भगवद गीता अंधे के लिए भी आया है, मालूम है आपको, अंधे लोगों के लिए भगवद गीता निकाला है, ब्रेल लिपि होता है ना, ब्रेल लिपि, उसके लिए भगवद गीता बनाई गई है, जो अंधे लोग भी उसको पढ़ सकते हैं, मतलब उनका भी कल्याण करने के लिए है। चाहे अंधा हो या बहरा हो,
सबके लिए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो ऐसे जो चैतन्य महाप्रभु है अवतरित होते हैं, क्या बोलते देखो, फाल्गुनी पूर्णिमा तिथि नदिया नगरे। फाल्गुनी पूर्णिमा के दिन नदिया नगर में, नदिया नाम का गांव है नवद्वीप में, जो गांव आता है, जो जिला बोला जाता है उसको क्या है, उसको नवद्वीप नदिया बोला गया है। नदिया नगरे जनमाई नागोरा चांद सची रउदरे, जहां पर सची के सची माता जो है, सची माता के गर्भ में कौन अवतरित होते हैं, जन्मिला गोरा चांद। गोरा चांद मतलब कौन है, गौरांग महाप्रभु अवतरित होते हैं। उसके बाद में बोलते हैं जगन्नाथ मिश्र देव विधि रविधाने जात कर्म करे तार आनंदित मने। तो उनका जो जात कर्म है आनंदित होकर क्या करते हैं, वो आनंदित मने उनका जात कर्म संसार करते हैं। फिर बाद में बोलते हैं उत्सव हैला बड़ा मिश्रे रमंदिरे सुनिया त्रिविध लोके ऐसे देखी बारे। तो तीनों प्रकार के लोग बोलते हैं स्वर्ग लोग, हाँ पाताल लोग और ये मर्त्य लोग, सारे लोग एकत्र आकर सब लोग दर्शन कर रहे हैं किसका, चैतन्य महाप्रभु का। उत्सव हैला बड़ा मिश्रेरा मंदिर है, जो जगन्नाथ मिश्र है उनके मंदिर में क्या हो रहा है, बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है ऐसा बोलते हैं। बाद में क्या है, नृत्य गीत वाद्य भांड भरीला अंगीना। तो अलग अलग नृत्य बज रहे थे, वाद्य बज रहे थे और उसके बाद में क्या बोलते हैं, द्विज भट्ट गले दिला अनेक दक्षिणा। और जो ब्राह्मण लोग आए थे वहां पर, जो भट्ट लोग आए थे, द्विज लोग आए थे, उनको दक्षिणा देते दे रहे थे। तो कभी भी दक्षिणा दिए बगैर ब्राह्मण को छोड़ने का नहीं है ना, कभी कभी हम लोग बहुत कुछ करते हैं लेकिन ब्राह्मण को दक्षिणा देने के लिए आगे पीछे देखते हैं, है ना, कितना कम दे सकते हैं, लेकिन दक्षिणा मन दिल से देना चाहिए, पूरा हृदय से देना चाहिए। और उसके बाद में क्या बोलते हैं, निमाई राखीला नाम सची जगन्नाथ। सची माता और जगन्नाथ जी ने क्या नाम रखा, निमाई नाम रखा। और उसके बाद में बोले दास हरे कृष्ण गाय गौर गीता गात। तो बोलते हैं कि ये जो हरे कृष्ण नाम के जो बहुत बड़े कवि होकर गए वो बोलते हैं कि निमाई नाम रखा और मैं भगवान का गीत गा रहा हूँ, किसका, चैतन्य महाप्रभु का गीत गा रहा हूँ, चैतन्य महाप्रभु का जो जन्म दिन है उसके लिए मैं गीत गा रहा हूँ ऐसा बोलते हैं। तो इसीलिए ये जो चैतन्य महाप्रभु का दिन है बहुत बहुत बड़े 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 कवियों ने लिखा हुआ है कि कैसे चैतन्य महाप्रभु का अवतरण हुआ है। उसके बाद में जब चैतन्य महाप्रभु जो है जब द्वापर द्वारका में अपना अवतरण दिखाते हैं, कृष्ण जब अवतरण दिखाते हैं चैतन्य महाप्रभु का, उसके बाद में कहाँ पर आते हैं, जो नारद जी वैकुंठ में आ जाते हैं और वैकुंठ में आकर फिर बाद में नारायण मिलते हैं वहां पर, नारायण जी। और नारायण जी को नारायण जी बोलते अरे कहाँ पर गए थे, हाँ तो वो बोलते कि मैं भगवान कृष्ण गोलोक वृंदावन में गया था और वहां पर हमने देखा कि चैतन्य महाप्रभु अवतरित होने वाले हैं। तो नारायण जी भी खुश हो जाते हैं। तो इस प्रकार जो चैतन्य नारद जी सारे सारे ब्रह्म सारे गोलोक वृंदावन में वैकुंठ में घूम घूम कर कहाँ पर आते हैं, पृथ्वी पर आते हैं और आने के बाद घूमते रहते हैं और आनंद में फिर देखते हैं कि कलयुग चल रहा है यहाँ पर और इस कलयुग में लोग फिर से वही कर रहे हैं अपना काम धाम। लेकिन उनको एक आशा है, कौन सी आशा है, कि चैतन्य महाप्रभु अवतरित होने वाले हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु का अवतरण हुआ, ये बहुत बड़ा विस्तृत वर्णन है, इसको मैं शॉर्ट में बोलने का प्रयास किया है, समय हो चुका है। तो एक बार सब लोग बोलिए गौरंगा गौरंगा नित्यानंद हरे कृष्ण श्रील प्रभुपाद की गौर पूर्णिमा महामहोत्सव की। खूब खूब धन्यवाद युगल प्रेम प्रभु यांचे, त्यांनी एवढं सुंदर इथं चेतन महाप्रभूंच्या अवताराचं प्रयोजन सांगितलेलं आहे आणि त्यांच्या अवताराची महती सांगितलेली आहे।